मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। शनिवार देर रात से ही इस मामले की चर्चाएं हैं और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला लिया है। फिलहाल छात्र छात्राओं ने एक्शन लेने के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन बंद कर दिया है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण है और स्टूडेंट्स का गुस्सा कायम है। इस बीच एमएमएस कांड को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जब जांच की गई और आरोपी छात्रों को पकड़ा गया तो एक कॉल ने ही सारे राज उगल दिए। अब इस मामले में तेजी से खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में 2 वार्डन सस्पेंड है और 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 3 आरोपी अरेस्ट भी हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट वेलफेयर रितु रनौत ने बताया कि इस पूरे कांड का खुलासा एक कॉल से हुआ है। उन्हें कहा कि आरोपी छात्रा से जब घटना के बारे में पूछताछ की जा रही थी तो उस वक्त उसके मोबाइल पर लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। तब हमने छात्रा से कहा कि वो फोन का स्पीकर ऑन कर बात करे। कॉल करने वाला कोई तीसरा शख्स था। रनौत ने कहा कि हमने छात्रा से कहा कि वो कॉल करने वाले अपने दोस्त से पूछे कि क्या उसके पास कोई वीडियो है, यदि है तो उसे भेजे। छात्रा के ये कहते ही लड़के ने एक अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। छात्रा से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि ये वीडियो उसके पास कैसे पहुंचा है, उसने सिर्फ अपने दोस्त को भेजे थे। ये भी बताया कि छात्रा के मोबाइल से कुछ वीडियो और फोटो डिलीट किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी छात्रा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिमला में एक 31 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है। इस तरह एमएमएस कांड की जांच दूसरे राज्य तक भी पहुंच रही है। इस मामले का खुलासा भी अनायास ही हुआ। दरअसल कुछ लड़कियों ने आरोपी छात्रा को बाथरूम के दरवाजे के नीचे से वीडियो बनाते हुए देख लिया था। उन्होंने इस मामले की वार्डन को शिकायत की। फिर पूछताछ में उस छात्रा ने मान लिया कि उसने कुछ वीडियो बनाए हैं। यही नहीं, उन्हें कुछ लोगों को भी भेजा है। ये पूरा केस शनिवार दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ जब छात्रों को वीडियो बनाए जाने की भनक लगी। इसके बाद डीन को बताया गया और पूछताछ शुरू की गई, लेकिन देखते ही देखते शनिवार की रात यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप से ये मामला पहुंचा तो छात्र जुटने लगे और रात को 1 बजे से लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। रात को 2 बजे से भी सभी वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचने लगे। हालांकि रविवार को सुबह तक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा लिया था, लेकिन रविवार शाम को स्टूडेंट्स फिर से जुटने लगे। उनका कहना था कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शन एक बार फिर से बंद हो गए हैं। जो एमएमएस का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रहा है मामला, उसमें जो डायरेक्शन थी कि एक सनी महतो है जो रोड़ू कराने वाला है, उसको डिटेन कर रहे हैं जी। तो उसको डिटेन किया था और ये पंजाब पुलिस वाले इसको इन्वेस्टिगेशन में ले गए हैं यहाँ से जी। सर, रोडू में जांच हुई है, पंजाब पुलिस यहाँ पहुँची है, क्या रोडू की जांच में निकल कर आया है? नहीं, रोडू की जांच में कोई जांच नहीं हो रही है, ये तो पंजाब पुलिस का मामला है, वही जांच कर रहे हैं।